फंस गए हैं वो बस के पीछे। तो बाइक को कर देते सेकंड गियर पे एंड ये सुनो, चालान नहीं कटवाना मेरा, पीछे पड़ गए पुलिस भाई। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। और भाई अभी मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि भाई थोड़ा बाल बाल ठीक किया हूँ एंड बाइक पे जैसे जाऊँगा हेलमेट पहनूंगा तो भाई बाल के अलग जाने हैं, तो इसी मैंने सोचा कि व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपको पता है भाई कैसा लुक हो जाता है, हेलमेट सबसे ख़राब होता है। तो बिना लेट किए अभी हम लोग रेडी होते हैं एंड थोड़ा बहुत बाल बाल ठीक और कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें जाना है बाइक वॉश कराने एंड आज अपने वैम को भाई अच्छे से राइड करने का सोचा हूँ क्योंकि एग्जॉस्ट लगने के बाद ना हम लोग सिर्फ मुजफ्फरपुर गए, उसके बाद एक भी अच्छे से राइड नहीं कर पाए थे, मतलब मुजफ्फरपुर और दरभंगा दोनों। तो अभी बिना लेट के चलो जल्दी से करते हैं पहले बाइक को रेडी। एंड बाइक को रेडी क्यों करना, क्योंकि बाइक की वॉश कराने काफ़ी गंदी हो रखी है। बाइक मैंने अजम को दिया था, वो लेकर गया था बिहार शरीफ और उसके बाद से बाइक लगी पड़ी है, मैंने बाइक चलाया नहीं बिल्कुल, तो बाइक गंदी हो रखी है। देखना पड़ेगा कि उसको वॉशिंग की ज़रूरत है या फिर नॉर्मली अगर वाइप कर दूँ तो चलेगा। और जल्दी से रेडी हो जाते हैं तो जैकेट वैकेट पहन के एंड फिर मिलते हैं, क्योंकि भाई दिन में ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगा आजकल बट शाम के टाइम में स्टिल उतना ही ज़्यादा ठंड हो जाता है, तो एक टी शर्ट में काम नहीं चलने वाला, जैकेट पहनना ही पड़ेगा। तो सीधा मिलते हैं अब मोटो ब्लॉगिंग वाले सेटअप पर। तो एक बार बाइक की हाल देख सकते हो आप लोग, यार ये रही अपनी वैम्प और बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, मतलब हद से ज़्यादा गंदी है वो लोग। और ज़ारा यहाँ पे नहीं है क्योंकि ज़ारा के साथ कुछ होने वाला इंटरेस्टिंग एंड ये अपनी आरसी उधर है डॉमी लगी हुई। तो अभी बाइक दो दिन से मतलब स्टार्ट भी नहीं हुई थी, अजम जब से लाकर दिया था बाइक घर पे पड़ी हुई थी बाइक, और अभी मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इसको पहले वॉश कराएंगे क्योंकि यार बहुत ही हद से ज़्यादा गंदी हो रखी है बाइक, और भाई गंदी बाइक चलाने का मन हमारा बिल्कुल नहीं करता। देख सकते हो हमारी सारी बाइक ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन रहती है, सो दैट्स द रीज़न। और भाई ये भी तो सुनना था अपने को, देखो मैं एग्जॉस्ट नोट मैंने बोला था ज़्यादा टाइम मैं नहीं रखूँगा, तो बाइक मेरी लगभग 4000 चलने वाली है यार, सीरियसली मैंने सर्विस नहीं कराया अभी तक। तो भाई अब मैं सोच रहा हूँ इसकी कल ही सर्विस करवाते क्योंकि कल की सर्विस इसकी बहुत ज़रूरी हो रखी है। 3976 चल चुकी है बाइक और मैंने अराउंड 700 पे सर्विस कराया था, तो काफ़ी टाइम हो गया और सर्विस भी बहुत ज़रूरी है। लाइक मैं जिस तरह से बाइक को यूज़ करता हूँ टॉप एंड वगैरह एंड राइड्स वगैरह भी कर लेता हूँ थोड़े बहुत, तो इसकी वजह से भाई इसका सर्विस भी होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड ऑल ऑफ सडन हमने नेक्स्ट संडे का भी कुछ प्लान सोचा है, तो होपफुली आपको एक दो दिन, मतलब एक दो दिन क्या मतलब आज या कल में रिवील कर देंगे कि हमें कहाँ जाना है। इस ब्लॉग के अगले ब्लॉग में आपको शायद पता चल जाए, तो पहले बाइक वॉशिंग कराने तो पहुँच जाए भाई, यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है इधर का। सीन तो ये है कि यहाँ पर लगी है एक कार और अभी शायद बाइक वॉश होने में होगी दिक्कत, आगे एक और कार, मतलब टोटल दो कार लगी हुई है, पूछ के देखते हैं भैया। ठीक है ना, सुबह आए, अरे बाइक देखो अभी सबको बता रहे, बाइक वॉश करने के लिए मना कर दिया आप, कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन है, बाइक वॉश करने के लिए मना कर दिया। ठीक है हम समझ रहे हैं, देखो भैया का कहना यह है कि एक काम करेंगे तो अच्छे से, अभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं है ना, और इधर दो दो गाड़ी लगी हुई है, ऐसा और दो चार लगा रहे, भगवान मेहर करे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, चलते हैं कल पक्का। कितने बजे? सुबह 10 बजे तक। अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा गाड़ी गंदा बताइए तो, नहीं ना वो भी अपनी गाड़ी इतनी गंदी और पसंद नहीं है। ठीक है ना, आते कल। ओके तो बाइक देख लो भाई इतनी गंदी है, वॉश भी नहीं हो पाई क्योंकि हमारा टाइमिंग काफ़ी गलत था। क्या? हाँ एग्जॉस्ट भी डाले, ये पूरा ब्लैक करा लिया, और भी इस पर कुछ हुआ है आपको दिखेगा जब वॉश कीजिएगा तो। समझ में आ रहा है ना, अभी गंदा इसलिए समझ में आ नहीं रहा होगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं, एंड यार मैंने सोचा था बाइक वॉश हो जाएगा तो कहीं शॉर्ट राइड करेंगे क्योंकि बाइक चलाने का बहुत मन कर रहा था, बट अनलकीली नहीं हो पाया, बट फिर भी एक शॉर्ट राइड तो करेंगे। सारे गली का ना रास्ता मतलब देख सकते हो कैसा हो गया रोड का, पाइपलाइंस की वजह से ना सारे रोड ख़राब हो रखे हैं। एंड राइट नाउ वी आर इन कंकड़बाग, और भाई शाम के टाइम में ना अलग सा मज़ा आता है क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया, तो मोस्टली हम लोग इसी टाइम में व्लॉग करेंगे
रात को भाई निकलते तो है बट रात को व्लॉग नहीं हो पाता, रात को हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजी है आजकल, और शाम का टाइम मतलब 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है हम लोग का, तो मोस्टली दोपहर में या फिर सुबह में ही व्लॉग हो पाता है, बट अब से हम लोग शाम में व्लॉग करेंगे। एंड गर्मी के टाइम में शाम में व्लॉग करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, ठंड में भाई बहुत फटती थी अपनी, ठंड में इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू व्लॉग्स एंड बहुत मुश्किल था वो डेली व्लॉग करना। अपने लेफ्ट हैंड साइड में है मेदांता हॉस्पिटल, बहुत ही मतलब प्यारा हॉस्पिटल है, मतलब देखने में मतलब लुक वाइज एंड काफ़ी अच्छा भी है ये चीज़, इसलिए क्योंकि भाई पटना में बहुत ही ज़रूरी था एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, तो ये काफ़ी अच्छा है और कंकड़बाग के लिए तो शायद सच में काफ़ी अच्छा है। अभी आप लोग सोच रहे हो कितनी ज्ञान की बातें करता है हमेशा बक 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 बक, तो भाई कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी आप लोगों को देना ज़रूरी है, बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है कुछ कुछ चीज़, क्योंकि हर दिन ना इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं मतलब पटना में, लाइक मैं पटना से बिलोंग करता हूँ तो मोस्टली लोग को ये जानना होता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ है मेरे शहर में, तो ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों ने बैड साइड देखा है, गुड साइड नहीं देखा, हर चीज़ का 2 साइड होता है। तो ज़्यादा लॉन्ग राइड तो नहीं करेंगे अभी, शॉर्ट मतलब सच में शॉर्ट राइड करेंगे। इसको जलाने के बाद ना लिटरली मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक फिल्टरिंग करने का मन करता है, जो कि आज हम लोग करेंगे। सो गाइज यू वॉन्ट स्ट्रीट रेस राइट, आप लोग को स्ट्रीट रेस चाहिए तो वो रही NS160 एंड दिस इज़ रैंप, तो हो जाए क्या एक छोटी सी स्ट्रीट रेस। गया वो बस के पीछे, ओवर लिमिट नहीं करने वाले एंड गाइस प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू दिस, अभी भी बोल रहा हूँ वी आर डूइंग दिस फॉर फन ओनली एंड भाई इधर आ तो गए बट वापस जाने में देखो क्या हाल होने वाला है। हाँ लोग गाइस उस तरफ का ट्रैफिक देख रहे हो, पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है भाई, अगर बाइक वॉश होती तो एक आध रील्स अच्छा बना भी लेते, अभी शाम के टाइम में काफ़ी अच्छी आती व्यू, बट अनलकली मतलब हम लोग जब तक पहुंचेंगे ना तब तक सनसेट हो जाएगी आई गेस। तो मन तो बहुत कर रहा है यार स्ट्रीट रेस करे दबा के, बट यू नो द रीज़न बिहाइंड दिस, तो थोड़ा सा टाइम और रुक जाते, सब कुछ शॉर्टकट हो जाने। तो भाई आई नो यू गाइज वॉन्ट so badly and I will do it for sure बहुत ही जल्द। अब आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। ओह मैन इतना ज़्यादा ट्रैफिक हर तरफ, अभी जाऊँगा ज़रूर उस तरफ बट मैं सोच रहा हूँ अभी जल्दी से घर वापस नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं फंस जाऊँगा ट्रैफिक में बहुत ही बुरा। और शाम का जो ये व्यू है ना पटना स्टेशन एंड महावीर मंदिर वगैरह का बहुत ही प्यारा आता है, लाइट्स जब पूरे लेटअप हो जाते हैं, तो अभी स्टेशन वाला लाइट लेटअप नहीं हुआ है। ट्रैफिक से निकल के गए फाइनली एंड अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स हज भवन, क्योंकि भाई अभी शाम का टाइम है और उधर काफ़ी ज़्यादा खाली खाली सा रोड होने वाला है,
इधर अगर हम लोग इनकम टैक्स की तरफ गए तो बहुत ही ज़्यादा रश मिलने वाला है एंड इस रश में हम लोग फंसना ही चाहते हैं। तो बाइक को थोड़ा बहुत वाइप अप कर लेते हैं। मेरे पास बैग में एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ पड़ी है क्योंकि अभी हम लोग बाइक वॉश कराने जा रहे थे तो हमने सब कुछ खुद से कैरी कर लिया था। मैं मोस्टली यही प्रेफर करता हूँ कि अपनी क्लोथ्स वगैरह कैरी कर लूँ बैग में, सो दैट बाइक को जब भी आप वॉश कराओ ना तो एक अच्छे नीट एंड क्लीन कपड़े से साफ़ किया करो। ऐसा नहीं कि उसी कपड़े से साफ़ कर दो जिस कपड़े से सब लोग का बाइक वॉश हो रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा अपना ही कपड़ा कैरी करता हूँ बाइक वॉश कराने के टाइम। और आगे भाई पुलिस की जिप्सी और मेरे बाइक में लगी एग्जॉस्ट, ऐसे घूर के देखते हैं ना एग्जॉस्ट लगने पे। ओह मैन, सामने एसपी की कार जा रही है, पटना सिटी एसपी। मैं सोच रहा हूँ ना एक बार वो जो अंडरपास टनल है वहाँ पे चल के एक बार इसकी एग्जॉस्ट सुनते हैं। मेरा बहुत मन था लेकिन हमें एक बार भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि टनल में जाके एग्जॉस्ट नोट सुने। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को भी सुनाते हैं। भाई इतने सारे पुलिस वाले, क्योंकि भाई ये जो एरिया ना यहाँ पे सारे मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर वगैरह सब लोग रहते हैं और अभी शायद किसी का क्रॉसिंग था तो इसी वजह से पूरा ट्रैफिक रोक रखा था इन्होंने। और बस सामने ही है भाई वो अंडरपास। पुलिस सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा ही टाइट है आज। मे बी कुछ फंक्शंस वगैरह होगा क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जब पुलिस वाले ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है। वैसे आजकल पुलिस वाले चालान काटने में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सबसे जल्दी पुलिस में अगर कोई काम होता है मतलब तो वो है चालान काटना, तुरंत से कट जाती चालान। तो बाइक को कर देते सेकेंड गियर पर एंड ये सुनो। What a lovely sound, guys. Oh man. और इधर तो हमें जाना है नहीं तो फिर से एक बार यूटर्न ले लेते हैं। ट्रैफिक हो गई बहुत ज़्यादा और अपने पीछे लग गई है भाई पुलिस। लिटरली यार, मतलब मैंने अभी टनल में जो थ्रॉटल दिया ना जस्ट पीछे एक पुलिस की जिप्सी आई। भाई मैंने बस उतने ही देर के लिए भगाया, मैं तब से बाइक इतने प्यार से चला रहा हूँ। रीज़न ये है ना कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा लोग मतलब आजकल रश करने लगे हैं और बहुत ही रील्स वगैरह के चक्कर में भीड़ होने लगी है। तो पुलिस बोला ना मैंने कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए इन सब चीज़ों को लेकर। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैक टू होम गाइस, चालान नहीं कटवाना मेरा, पीछे पड़ गए पुलिस भाई। एंड आप मिलते हैं गाइस फिर अगले ब्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।